yet? नमो विष्णु पादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानां च पालिने जीव दुःखे सदाताय नाम प्रेम प्रदायिने पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्राप्तजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनोऽभिरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपि तं सर्वभूतहृदयं अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृते परं जट्गञ्जाभुतं वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिदत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोदरं तवैवास्मि न युवांसया विना इति विज्ञाय राधेकं नयमामि Mula Prakriti is here. Oh, you should come. And you should come. From beginning of my preaching, she is helping and serving fully from very beginning. She is helping us in our preaching as well as in publishing books also. Now she is going to publish some books all related to myself and Bhaktivedanta Swami Maharaj. And he has helped in so many books. So I want to be the life and protector of my guru. And I cannot forget my old friend Pran Kishore Prabhu and his wife. Yes, oh, very good. Brajanath Prabhu. Oh. I think that he is my private secretary. And his wife too. Brinda. In my publication, in my journey, always whole burden is on him. All communications
my passport, visa, even we are under him. We cannot go any inch forward without this. So, tomorrow we forget. So, Vrindavan and Vrindavan Prabhu should come and take this. Oh, she don't want to come. Getting far from. Well, go, Prima. I think that we have divided them, but I know that all, each and all, they have helped me in my preaching. My God brothers also, all the disciples of Pujya Pad Daman Maharaj are also my disciples, I think. So all are helping me. So I cannot take that each name and every name. So I think that they will help me in our preaching and also in distributing books. I have given to that, oh Prabhu, you? Have I given this? You? Yeah. So I think that they should help me in my distributing books. I request each and all. Oh, I cannot forget Prabhu of Miami. Kriparam Prabhu. Kriparam. And why? He helped me to be in America. And so much help. So I cannot forget. And we cannot. I want that he should come.
Param deva moksham na mokshavajun na channam vrinaham varishasatiya idante bapunatha gopalabalam idante bapunatha gopalabalam sadame manasya pirasam kimanyai namami swaram sachidanantaru Lasat kundalam go nirvrajumanam. कल हमने इसकी व्याख्या की, उसमें हमने प्रेम तत्व को समझना समझाने के लिए, प्रेम का स्तर समझाने के लिए मैंने कुछ बतलाया था। कृष्ण के चरण में हमारा प्रेम हो जाए तो वो कैसा प्रेम चाहिए देंगे, कैसा प्रेम, इसमें स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार का प्रेम। की बहुत से स्तर है, विशेष करके 7 स्तर नीचे और 7 ऊपर, 14 प्रेम के स्तर साधारण मोटा मोटी है। सबसे पहले कहां लग गया, कृष्ण सेवा की वासना जो कि श्रद्धा रूप में दिखती है, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये नीचे वाले स्तर। और ऊपर वाले भाव में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव अमहाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन और देयर आर सो मेनी लेवल्स बट ऑल्सो देयर आर सो मेनी स्तर, और भी स्तर है। कौन से स्तर, ये ललिता विशाखा का जो प्रेम है महाभाव पुराण का कैसा नहीं, विशाखा का कुछ अंतर है, चित्रा जी का अलग है, अष्ट शक्तियों का अलग अलग अपना महाभाव है, एक भी जैसा नहीं है, उसमें अपना अपना है। चित्र जातक भी अपने अपने हैं, उन्माद भी अपना अपना, मोहन भी अपना अपना भाव है, अलग अलग के जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे कोई समुद्र के उठने वाली तरंगों को कोई गिन नहीं सकता, जिस समुद्र में कहां कैसी तरंग उठ रही है। यहां जगन्नाथपुर में एक तरह की तरंग, बंबई में एक तरह की, फिलीपींस में एक तरह की, हवाई में एक तरह की, सब जगह एक तरह की नहीं। कुछ ठंडी है, कुछ गर्म है, कुछ ऊंची है। अभी सुना, अभी उड़ीसा में सीशोर में 20 फीट से लेकर के 25 फीट तक ऊंची तरंग बढ़ करके सबको डुबा दिया, लाखों आदमी घर बार रहे तो लाखों आदमी भर गए। तो वहां पर क्या वश, वहां पर मरेंगे नहीं। यह तरंग जब उठेगी 20-25 फुट ऊंची तो सबको तब तो स्नपयति क्या सर्वना सर्वात्म स्नपयति परम विजयते वैसा डुबा दी। इसलिए प्रेम की बहुत सी तरंगे हैं। कौन सा प्रेम चाहिए हमको, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो कृष्ण उलझन में पड़ जाएगी कि मैं कौन सा प्रेम दू, कैसा दू, संरक्षण नंदन जैसा ना, वो कौन राजा अम्बरीश महाराज के जैसा ना, प्रेम मान के समान दे। और कल जो सुनाया था तो बहुत लोगों की इच्छा होगी कि हमारा प्रेम हनुमान जैसा हो जाए। ना তিনি তাকে বুঝবেন এই রসগোল্লা এটা কন্তুয়া এটা পুরি এটা চিনি তুমি কি খাবে, আমি চিনি খাবো।
দেয়া চাচি নিবে আর এটা বলবে যে গুড় দিব ও সবটা বলে বুঝিয়ে দিবে রসগোল্লা তাদের মুখে দিলে একেবারে রস পাবে খাবি কি আমার কথা ভালো লাগে তাকে দিয়ে দিলাম তা যা স্বরূপেতে যে আছে ওইটি কুকি মারবে যা স্বরূপেতে যা আছে প্রত্যেকটি জীবের এক একটি নিজস্ব তার স্বরূপ আছে বদ অবস্থা সেটি আচ্ছা ঠিক আছে আর যত পরিমাণে সম্ভব হবে গুরু কৃপা হবে আর সেটি ভজন করতে আরম্ভ করবে তখন তাহার মধ্যে থেকে তাহার ভাবটাই ধীরে 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 সংকুরিত হবে তখন তার এই বিচারের দ্বারা সত্যি গুরুদেব বুঝতে পারবে যে তার ভিতরে স্বরূপ তখন একটি মন্ত্র দিবেন গোপাল মন্ত্র একটি দিবেন অথবা ওর পরেতে দিবেন কাম গায়ত্রী কিন্তু কাম গায়ত্রী কি গোপাল মন্ত্র দিলেও তাহার রিলেশন হবে পাঁচ প্রকার হয়ে যায় সকলের যে একই স্বরূপ হবে কোন মানে এইসব বিষয়ে আমরা বিশদ ভাবে পূর্বে আলোচনা করেছি ওটা গুরুদেব লাখ বললেও ওটা ভজন সাধন করবে যত পরিমাণে তার আনুগত্যে সে বৈষ্ণবগণ আনুগত্যে তখন এটা ধীরে 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 না তো সেটি গ্রহণ করতে পারবে সাত স্বরূপে তাহলেও প্রথম গ্রহণ করতে পারবে তাহলে গুরুদেব বুঝবেন হয়তো কোন গুরুদেব বুঝবেন রামা সামা যত বুঝবেন না মতবাধিকারের প্রথম কনিষ্ঠ থেকে মধ্যম যিনি উঠছেন নিষ্কপট হলে তিনি বুঝতে পারবেন মধ্যমে মধ্যম হলে বুঝতে পারবেন যখন মধ্যম থেকে উত্তম হয়ে গিয়ে একটু আর উপরে নারদ ইত্যাদি শ্রেণীতে যখন যাবেন মূর্ছিত কষায় ইত্যাদি যখন হবেন মূর্ছিত কষায় নির্ধূপ কষায় আপাত পাশ এইরকম যখন হবে তখন বুঝবে ভাই তখন ও গুরুদেব বুঝে দিবেন এই জন্য সব মতামতিকারীকে গুরু উনিও গুরু হরিকথা শুনান আর তারা যে কান সারে শিষ্যকে করবেন কিন্তু বলবে যে যাও তোমার হয়ে গেল তার স্বরূপ দর্শন করতে পারে কমসে কম তো মধ্যমের উত্তম হবে অথবা উত্তমের কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তমের তখন এইগুলি বুঝতে পারবে বহু বিচার আছে তার এখন হনুমান কৃষ্ণ হনুমানজি বড়ে প্রিয় হ্যাঁ রামচন্দ্রজিকে ঠিক হ্যাঁ প্রিয় হ্যাঁ কিন্তু জব উনকে পলঙ্গ পর সীতাজি উনকে চরণ কো দবা রহি হ্যায় তো পৌঁছেঙ্গে क्या हनुमान जी के साथ में रामचंद्र जी गिल्ली घंटा खेलेंगे क्या हनुमान जी अपना जूठा लेकर के राम को खिला देंगे लौकिक शब्द बंधुवत भाव उनका नहीं आया जानते हैं कि हमारे प्रभु सच्चिदानंद भगवान है ये भी जानते हैं कि राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं किंतु राम के प्रति उनकी प्रगाढ़ निष्ठा है और उसमें ऐश्वर्य की रुचि है ये राम हनुमान कभी भूल नहीं सकते हैं इसलिए राम के साथ में अखबारी फाड़ सकते हैं रामचंद्र जी कृपा करने के लिए किंतु हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते मिल नहीं सकते एकदम उनके पलंग पर बैठ नहीं सकते और संभ्रम रहित होकर के गौरव रहित होकर के कभी भी उनकी सेवा नहीं कर सकते आ सखा बहुत ये मीठा आम है और अपने चूस लिया और कृष्ण को दे देंगे ऐसा नहीं इसलिए ये प्रेमी भक्त है प्रेम पर भक्त नहीं प्रेम पर भक्त बहुत ऊंचा होता है हनुमान का राम से संबंध क्या है हनुमान जी के बेटे राम है ना सखा है ना प्रियतम है या प्रियतमा है
ना नाती है ना क्या है ना जमाई है, है? क्या है, कोई संबंध नहीं। प्रेम पर भक्त होने के लिए लौकिक संबंध भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? जैसे युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव और इन लोगों में भी अर्जुन, अर्जुन का कृष्ण से क्या संबंध है? जब तक संबंध नहीं होगा भगवान के साथ में, गुरु नहीं जोड़ देगा, तब तक राधा का भक्ति में उसका अधिकार नहीं। वैष्णव आचे शुद्ध वैष्णव का वैष्णव जरूर आचे। जहां दिखा दिया हो से पूछो चाहे ना पूछो, हरिनाम पर चला लो, आकृष्ण अमी दास भाव रहे वैष्णव कार मध्य बात शुद्ध भक्त भी है। क्या करा था पांडव लोगों में से, पांडव में से कृष्ण ने उस संबंध को स्थापित करने के लिए, ममता लाने के लिए संबंध जरूरत है। हम लोग कभी ममता इसलिए नहीं आ रही है कृष्ण से संबंध हम नहीं जोड़ सके, और जो गुरु जी ने जिसका जोड़ दिया वो संबंध समझ गया उसका संबंध हो गया, वो एक संबंध में स्थित हो गया। गुरु जी ने संबंध जोड़ दिया किंतु अभी हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है, जिनका मालूम है उनका मालूम है, संबंध नहीं मालूम, किंतु गुरु जी ने जोड़ दिया। आज न कल न परसों या दो जन्म के बाद में, दस जन्म के बाद में यदि भजन शुद्ध होगा और अपराध नहीं हुआ, अवज्ञा नहीं हुई वैष्णव के प्रति, तब तो जरूर आज यदि हो गया गड़बड़ तब तब फिर गया। इसलिए कृष्ण ने अपनी बहन, प्यारी बहन को जो बलदेव और कृष्ण के बीच में बैठती है, उसकी शादी किससे साथ में की, और वो भी बड़े रहस्यमय समझे, बड़े रसगत विचार से उन्होंने, बलदेव जी नहीं करना चाहते थे और कृष्ण ने घुमा फिरा करके और सुभद्रा जी को ही उनको वरण करने के लिए, सुभद्रा जी ने उनको वरण कर दिया। इस तरह से अपना सारा और बहनोई ये संबंध जोड़ दिया। इसलिए कभी कभी अर्जुन से दिलाती भी करते हैं आर्य साले, ये उनके लिए गाली नहीं होगी, और कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, मैं इसका साला पड़ा ठीक है। और भी संबंध जोड़ा, एक ही नहीं, ये लोग कुंती के बेटे हैं पांचों पांडव, और कुंती जी हैं कौन, कृष्ण की बुआ जी, तो ये दोनों भाई हुए ना, फुफुआ फुफेरा भाई, बंगला तक ही बोल रहे पिस्तुत भाई, तो भैया भी है, ये भी संबंध जोड़ दिया। और भी संबंध है, और भी संबंध उनके हैं, उत्तरा संबंध ये संबंध हुआ, ये एक पलंग पर सो सकते हैं। कृष्ण को तो उचित है कि अर्जुन अपने जमाई को, अपने बहनोई को ऊपर सुला करके पलंग पर नीचे बैठे, है कि नहीं, नहीं समझा? अर्जुन क्या है, जमाई है, माने उनके बहनोई है, होने से भी अरे सुभद्रा का बाप भी वो अर्जुन का पैर छुएगा, उसकी पूजा करता है, इन लोगों की तो बात है, सालों की तो बात ही क्या है। तो इसलिए दोनों एक पलंग पर सो सकते हैं। एक समय ऐसा हुआ, नारद जी भक्तों को देखने के लिए गए थे, सबसे प्रिय कौन भक्त है, शंकर जी ने कहा यदि भगवान का प्रिय से प्रिय भक्त देखना चाहते हो तो हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में चले जाओ और सीधे अर्जुन के घर में घुसना और वहां पर देखना। और जब वहां पर उपस्थित हुए तो देखा क्या,
कृष्णा और अर्जुन दोनों पलंग पर गए। एक तरफ में पलंग पर अर्जुन का सिरहाना है और दूसरे तरफ में कृष्ण का चरण अर्जुन के छाती से होते हुए और अर्जुन के सिर की तरफ में जा रहा है और उसे सुभद्रा और द्रौपदी उसे टहला रही है और चामर पंखा डाल रही है। इधर अर्जुन का पैर कृष्ण के छाती से होते हुए उधर जा रहा है और वहां पर कृष्ण की रानियां रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि चमन बुला रही हैं और अर्जुन का रोम रोम से निकल रहा है कृष्णा कृष्णा। उसमें बिना लेकर के नृत्य करने लगे। ओ सचमुच में अर्जुन ही तुम ही धन्य हो और तुमसे बढ़कर के कोई और धन्य नहीं है। सनातन गोस्वामी ने इस चीज को दिखलाया है। सब ठीक है, ये लोग प्रेमी पर भक्त है। ओ यस कैन यू फाइन ऑन I've not spoken in Bangla. Krishna Prasad है यहाँ। खराब है तो एकदम स्वयं पर है। तब बोलिए आप, अब आपके साथ। Just try to speak, whether wrong or right. Just go. We will help. So, Sri Gurudev mentioned that in the last class he began his explanation of prema tattva. What are the distinctions between the various categories of prema? This prema is the goal of our life, but this prema is a very vast subject. There are many divisions. So this prema, there are levels above prema and levels below prema. Below prema, the devotional service begins with Krishna Seva Vasana. First, the desire to serve Krishna comes in the heart by grace of the Guru. And gradually, it becomes more condensed, and becomes sadha, sadhu sangha, vajana kriya, anatha nivriti, nishta, ruchi, asaki, bhav. Then praying. And then from praying, this becomes more and more condensed. Snaya, man, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabhav, ruda bhav, adhinuda bhav, mohan, mohan, and madanakya mahabhav. So this praying is of so many varieties. Lalita and Vishaka, they have praying, but it's not the same as the praying of Srimati Radhika. Chitrasakhi and all Astasakhis, they have. Each one has a different variety of praying. Lalita praying and Vishaka praying, or not the same, some different. So there's some specialities. So Srila Gurudev was giving an example. Just like in the ocean, there are so many waves. There are waves at Jagannath Puri, there are waves in Bombay, there are waves on the beaches in Hawaii. But all waves are not the same. Some waves are very high, some waves are not so high, some waves are warm, some waves are cool. So we have to immerse ourselves in the waves of praying. Sarvatma stapanam pram. But this praying is of so many types. So what kind of praying should the devotee aspire for? So far, Srila Gurudev had described the praying of Sanak, Sanana, Sanatan, the four Kumaras, and its attributes and also its shortcomings. And superior to that was this, they are called Gyani Bhakta. And superior to the four Kumaras is Ambarish Maharaj. He is called Shuddha Bhakta. And then Srila Gurudev described the praying of Hanuman. He's called the Premi Bhakta. So in this world, there are many sadhaks, and they're very eager to have a mood like Hanuman. Then Srila Gurudev began to describe some things in Bengali. He was mentioning that, in response to a question of one of the brahmacharis here, that every jiva
has a potential within their Atma, a Swarup, a form, and a particular relationship within their heart. But only when they come into the association and guidance in the Anugatya of a realized Vaishnava, then gradually doing bhajan under their guidance, slowly, 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 maybe today, tomorrow, the next day, or after 2 births, 5 births, 10 lifetimes. They asked the question that will Gurudev know that what instantic nature or what is his swarup, constitutional form of his disciple or not? I answered that there are so many kinds of guru. Madhyamadhikari may be guru. Nowadays, those who are guru, very rare guru who can know the constitutional form of his disciple. Especially those who are falling down, making offense and criticizing Vaishnavas, that never they can grow in any life because they are open. But those who are sincere in Madhyam Adhikari, Madhyam at least, then he can help, but he will not know that constitutional form. Who will know? Who will enter in Uttam Mahabhagavatam, Uttam Adhikari, and who will realize himself, and he has realization of Krishna, like Murchit Kasaya, Nirdhut Kasaya, and what is Nirdhut Murchit Kasaya? Or first stage of Narada, when he saw Krishna, Narayan or Krishna, and by taking darshan of Narayan, with all anartha and everything was like sleep. So it is Murchit Kasaya. But it can come, and then the Nirbhut Kasaya, like Sukadeva Goswami, wash off all the anartha and everything has been washed off. Always serving Krishna. And third, Narada in second stage. Then he received the constitutional form. So these three kind of guru, they can realize what is a constitutional form, otherwise no. And they can please, at once Krishna Prem should come and it will come. Very real, these kinds of. But it may be, there are. It may be. We cannot recognize. Iske baad mein? Also I told, he asked, can Guru Dev give all these things Krishna Prem to his disciples? I told that if a guru like, then 3 classes they can give. But a disciple cannot take in his when he is in lower class, he cannot. Like, he will tell the glories of Guru means, then sugar and rasagolla, rabadi, and kukhuchanda, and sandesh. Different kinds of sweet. He will tell that he will ask what sweet you want. Then he may tell that
I will pay Mulashi. And he will tell that I will say, oh, Laddu. But he will not take Rasagulla. So that Rasagulla is not good because the Ras comes, and it all came from Rasagulla. वो कहेगा नहीं नहीं हमको वही अच्छा है, इसलिए अनुभूति जब होगी साधन भजन करते 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 तभी चीज हो. When by gradually he will be qualified, then he can tell that I want to serve Rupa Manjari. Then he can. Otherwise no. So Gurudev is qualified to give, but all Gurudev know. Then, I know, I want to give pure bhakti to so many Vaishnavas. But they only want that I should have a very beautiful gold wife. And for this, it may be that they have come here. I know that I want to give them high class of bhakti. Even I am third class, Kanishtha Vaishnava. But I want to give. But I know very rare to take. They cannot. They may do offenses, and that is why they don't come nearer to me. They fear. So it is very rare to have these kinds of work. Gurudev, describe how the spiritual master, he knows the identity of the disciple, and he establishes this relationship through mantra. Then Gurudev continued to describe about Hanuman. Oh, many people, they want devotion like Hanuman. So now we can analyze the devotion of Hanuman very carefully. So Hanuman, even though he's very devoted to Ramachandra, if Ramachandra is alone with Sita and sitting on a bed together, oh, he cannot go near at that time. He cannot feed Ramachandra with his own hands. He has no, it's called Lokik Sadbandhu Bhav. He doesn't have a mood that, oh, Ramachandra, he is my own family member. Like an ordinary relationship that we will have with our family members or with bosom friends in this world. He cannot sit on the same bed with Ramachandra. He cannot behave like the Sakas of Krishna. Sometimes Krishna Sakas, if they taste something, which is very good. Sometimes if the Sakas, they taste something very delicious, they'll think, oh, Krishna should taste this. And so they'll put their own reverence in the mouth of Krishna. But Hanuman, he cannot do these things. So what is the relationship of Hanuman? He is not the son of Ramachandra. He's not the friend of Ramachandra. He's not the beloved of Ramachandra. So those devotees who are superior to Ramachandra are those who are characterized by the quality of Lokik Sat Bandhubhaj. They have a very natural family relationship towards Krishna. So they are called Prema Parabhakta. So what is the example of Prema Parabhakta? The Pandavas. And among the Pandavas, especially Arjuna is prominent. So Srila Gurudev commented that unless the Guru, he establishes a relationship, Sambandha Gyan, of the disciple with Krishna, he cannot enter into the realm of Raghunuga Bhakti. So, now what is the relationship between Arjuna and Krishna? Krishna arranged that Arjuna could marry his sister Subhadra. Even Baldev, he didn't want Subhadra to marry Arjuna. But by Krishna's arrangement, then Arjuna came and stole Subhadra away. Furthermore,
So in this way, we see that Arjuna is related to Krishna. How? As his brother-in-law. Very intimate and friendly relationship. Also, Kunti Devi is the aunt of Krishna. So they're also related like cousins. So they're very close. Once the Shivji, he told Narad Muni, because Narad Muni was looking for a very high class devotee. And Shivji told him, if you want to see a very dear devotee of Krishna, then you should go to Hastinapur. So Narad Muni, he came to Hastinapur. And when he arrived there, he saw a most astonishing scene. Krishna and Arjuna, they were sleeping on the same bed. And Krishna's head was at one end and his feet at the other. And Arjuna was lying the other way around with his head close to Krishna's feet and his feet by Krishna's chest. And they were sleeping together. And at that time, Rukmini, Satyabhama, and other queens, they were massaging the feet of Krishna and fanning him. And Draupadi was there massaging the feet of Arjuna and fanning him. And Arjuna, he was lying, and in his sleep, he was calling Krishna, Krishna, with his hair standing on end in transcendental ecstasy. So Narada was astonished to see the very deep intimacy between Krishna and Arjuna. So therefore he is called Prema Parabhakta. Narada saw, and he began to jump with his veena and began to sing. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha. हमारा साला बांध संबंध है सब भूल गए
जैसे पिंजरे में एक शुभ पक्षी रखा हो, राम 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 सीते राधा कृष्ण का रहा है चित्रकूट की हार पर, वैष्णव तन की भीड़ तुलसीदास चंदन किसे, जितना शुभ पक्षी बोल जाता है आप तो जमी बिल्ली आकर के उसके ऐसा थापा मारती है चाँ 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 का, मैं तो भूल जाता है। अर्जुन के साथ में इतना संबंध है, सखा है, सखा भी है, और जो मैंने कुछ कृपा भी की है कृष्ण को ये सब समझते हैं, किंतु जहां उन्होंने विश्व दिखलाया तहां भूल गई ये सब। मैंने सखा कहा है आपको, आप तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आप ईश्वरों के ईश्वर के ईश्वर के परमेश्वर के भी परमेश्वर मैं खुद हूं, और हाथ जोड़ करके अब नहीं कहूंगा ऐसा अपराध नहीं करूंगा, हाथ जोड़ करके कहूंगा। आज यशोदा मैया को भी स्वरूप दिखलाया तो अरे इसको टोना लग गई, नजर लग गई, और गोमूत्र गोबर से लेकर के उनको स्नान करा करके ब्राह्मणों से अभिषेक कर करके गईयों को कहा, यशोदा जी को नहीं। सखाओं को होगा अरे सारे कहेंगे जिसे क्या दिक्कत है ये दिखला जा, और गोपियों को दिखलाएंगे तो उनके शरीर में ही उनके हाथ और ये सब भीतर चले जाएंगे, घुस जाएंगे। इसलिए अर्जुन में है किंतु ऐश्वर्य भाव देख करके उनका यह माधुर्य भाव भूल जाता है, इसलिए ये प्रेम पर ही है, प्रेम परक नहीं है। प्रेम परक किसको कहते हैं, जो गोपियों से थोड़ा सा भाव पर जो प्रेम है कृष्ण वाला गोपियों का, उसको थोड़ा सा समझे स्पर्श का थोड़ा सा, वो जो कृष्ण के सखा भी हैं, कृष्ण के बंधु भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके चालक भी हैं, और सबसे उनके साथ में छाया के समान रहते हैं, अर्जुन इत्यादि छाया के समान रहते हैं, और उद्धव जी कैसे रहते हैं छाया के समान, इसलिए ये आतु कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, अर्जुन इत्यादि रह सकते हैं, कौशल बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कृष्ण को कैसे लाएंगे अपने पास में, पिछले छल बल करके युद्ध का बहाना बना करके वो उनको लाएंगे, और इनके लिए उद्धव के लिए कुछ नहीं। यदि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं तो उद्धव जी डर रहे हैं कृष्ण में तुम्हें छोड़ करके मैं कैसे ब्रज में रहूंगा। कृष्ण ने कहा कि अभी तुमने हमको सब दूर से समझाया, मैं तो एक कानी कौड़ी के बराबर छोटे अंश है, ये ब्रज में हूँ मथुरा में हूँ, मैं संपूर्ण रूप से हूँ नहीं, मैं तो संपूर्ण रूप से ब्रज में हूँ, वहां जाएगा तो तुम हमको यहाँ का भूल जाएगा, मथुरापुरी भी भूल जाएगा, और वासुदेव हमारे कृष्ण को भी भूल जाएगा, पहले जाओ तो वहां वहां के स्कूल में तो प्राप्ति हो, पहले तुमसे कहा नहीं एडमिशन करा दिया, जाओ वहां एडमिशन वो क्यों किए, तब वो तो उद्धव जी कैसे हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे प्रिय नहीं है, शंकर हमारा आत्मजोनी च शंकर, शंकर भी हमारे प्रिय नहीं, श्री जो सब समय उनके अंगों से संसार रखने वाली उनकी पैरों की सेवा करने वाली उतनी वो भी प्रिय नहीं है, जैसे हमारी आत्मा भी शंकरसन भी प्रिय नहीं है, जैसा हमारा उद्धव प्रिय है, इस प्रकार से वो कहते हैं। असत अर्जुन को ब्रज में भेज सकते थे कि नहीं, नहीं जा सकते, किसी को भी और नहीं भेज सकते हैं, मथुरा द्वारका वाले जितने भी कृष्ण के परिकर हैं उनमें से केवल उद्धव ही ऐसे हैं जिनको वो भेज सकते हैं, स्कूल में एडमिशन करने की योग्यता है, और किसी की योग्यता नहीं जो स्कूल में जाए, इसलिए उद्धव जी, इसलिए श्रीमद् भागवत में सब जगह ऐसा कहा गया है, कृष्ण अपना बहुत ही प्रिय बना है, किंतु ऐसे उद्धव जी भी क्या करते हैं, जब ब्रज में गए तो क्या किए, भूल गए यहां पर कृष्ण को, और वहीं पर कितने 6 महीने या 3 महीने, कितने दिन 11 महीने
3 महीना खाद्य करने की रहे और क्या करते थे गोपियों की सेवा करते थे गोपियों की कैसी सेवा करते थे उनके मुख से निकली हुई कथाओं की सेवा करते थे पंडे नंद ब्रज स्त्री नाम उनकी कथाओं को सुनते थे और उन्होंने ये कारण महाभागा आपने अनुग्रह किया गोपियों ने हे गोपियों तुमने हमारे पर महान अनुग्रह किया क्या अनुग्रह थोड़ा सा स्वरूप अपना दिया अपने प्रेम की झांकी हमको थोड़ा सा अनुभव करने की तुम्हारे मुख से हरी कथाएं जो निकली उसे समझ गया कि कृष्ण तुमसे कभी विलग हो नहीं सकते मैंने देखने में भूल था और मैं देखता हूं सब कुछ में आप ब्रज को छोड़ करके ये गोपियां गोपियों के आप संपूर्ण इसलिए उन समस्त गोपियों में बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु एक वचन गोपियां तो वह वचन है चरण की धूली वो कौन सी होगी राधा जी के चरणों की एक धूली धूप से वंदना कर रहे हैं जिस धूली जिधर में है उधर में वंदना कर रहे हैं धूली को तो स्पर्श नहीं कर सकते कहते हमारा इतना सौभाग्य ये प्रेमातुर जो भक्त है गोपियां भक्त तख्त नहीं है भाई कोई गोपियों को यदि भक्त माने हैं तो ये भूल करेगा क्या है वो कृष्ण ही है कृष्ण ही है कृष्ण की शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न शक्ति शक्ति मतलब अभिन्न आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी के एव निज रूप तया कला निज रूप तया कला भी अपने रूप के अपना ही रूप है अथवा अपने रूप की कला कला ना लिख गया जैसे यहां थे हृदय है अरे क्यों नहीं तनाई नहीं कृष्ण की आत्मा है व्याख्या क्या था उस बच्चे ने श्याम ने उनकी आत्मा है कैसी आत्मा जैसे हमारे शरीर की आत्मा है वैसे गोपियां और उसमें भी राधा जी कृष्ण की आत्मा है इसलिए वो आत्मा रमण है आत्मा में रमण करते हैं अपने श्री जी में रमण करते हैं सब उसके बिना वो रह नहीं सकते इसलिए ये स्वरूप शक्ति की लादी शक्ति की ये पृथ्वी है कृष्ण ही है उनकी शक्तियां मुक्तिमान रूप धारण कर रहे और उन सब में श्रीमती राधिका जी इस चीज को इसलिए राधिका जी का प्रेम यही प्रेम प्रयोजन हमारे राय रामानंद जी ने बताया महाप्रभु जी को बतलाते बतलाते अंत में पहुंचे राधा जी के यहाँ और राधा जी का जो प्रेम है यही प्रयोजन है किंतु होने से भी कृष्ण के लिए प्रयोजन हो सकता है राधा प्रेम जीवों के लिए वो प्रेम नहीं उनकी सेवा में जो प्रेम है मैं जगियों का प्रेम ही जीवों के लिए और समय ने पहुंचा ये इसमें से ये प्रेम लाखों प्रकार के हुए हाँ नव the glorious attributes.